हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्यूरिसप्रूडेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सोर्सेज ऑफ लॉ। अब सोर्सेज ऑफ लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे कैटेगराइज किया गया है बाय वेरियस ज्यूरिस, द टर्म सोर्सेज ऑफ लॉ कैसे डिफाइन किया गया है। फिर हम लोग फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ जो कि कस्टम है उसको डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले कस्टम में हम लोग देखेंगे अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन एंड जनरल मीनिंग ऑफ द टर्म कस्टम। फिर हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस जो दी हुई हैं कस्टम की बाय वेरियस ज्यूरिस्ट, और कुछ केस लॉज भी देखेंगे इसी में जिसमें कस्टम डिफाइन किया गया है। सेकेंड नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इस काइंड ऑफ कस्टम। कस्टम दो तरह के होते हैं, बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी नॉन ऑब्लिगेटरी भी कह सकते हैं, और उसके फर्दर सब डिविजन्स भी डिटेल में समझेंगे। एंड लास्टली हम लोग देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम कि कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ कस्टम अ वैलिड कस्टम। इसमें बहुत ढेर सारे एसेंशियल्स हैं, हम लोग उससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले समझने की कि ज्यूरिसप्रूडेंस को कैसे पढ़ा जाए। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ज्यूरिसप्रूडेंस को, तो ये वाला टॉपिक जो है कि डेफिनेशंस वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, कोई भी डेफिनेशन कोट कर देंगे और कहेंगे कि ये किसने कहा था, तो ये डेफिनेशंस जो है वो लर्न करनी पड़ेंगी। सेकेंडली ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम, कुछ एसेंशियल्स दे देंगे उसमें से कहेंगे कि कौन सा एसेंशियल नहीं है वैलिड कस्टम के लिए, और अगर हम लोग मेंस के लिए तो पूरा थ्योरी के पार्ट के लिए ये सारी हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ कस्टम। और इसी वीडियो में हम लोग आखिरी में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे एमसीक्यू हम लोग देखेंगे जो अभी तक एग्जाम में आए हैं कि हम लोग रिवाइज कर सकें और देख सकें किस तरह के क्वेश्चन ज्यूरिसप्रूडेंस में कस्टम्स टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो द टर्म सोर्सेज ऑफ लॉ हैज़ बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट एंड बाय डिफरेंट स्कूल्स। तो अगर हम लोग ज्यूरिस्ट की बात करें तो सबसे पहले आते हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन ने द टर्म सोर्स ऑफ लॉ को डिफाइन किया इन थ्री सेंसेस। उन्होंने कहा कि जो टर्म सोर्स ऑफ लॉ है उसको हम लोग तीन तरह से समझ सकते हैं। पहला, इट इज़ एन अथॉरिटी फ्रॉम विच लॉ एमिनेट्स। सोर्स ऑफ लॉ एक ऐसी अथॉरिटी है जिससे लॉ एमिनेट करता है, मतलब जहाँ से लॉ की उत्पत्ति होती है, इट इज़ दैट अथॉरिटी। सेकेंड इज, इट इज़ अ हिस्टोरिकल मटीरियल फ्रॉम विच द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ इज नोन। हिस्टोरिकल मटीरियल है जिससे हम लोग को पता चलता है कि लॉ क्या है, क्या था उस समय। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हिंदू लॉ में देखें तो हिस्टोरिकल मटीरियल क्या हो जाएगा, श्रुति स्मृति, ये सब हिस्टोरिकल मटीरियल है जिससे हम लोग को उस समय का लॉ पता चलता है। लास्ट इज, इट इज़ अ कॉज विच गिव्स रूल्स ऑफ सोसाइटी फोर्स ऑफ लॉ। सेकेंडली हम लोग फुलर के बारे में देखते हैं, तो इन्होंने कहा कि सोर्स ऑफ लॉ इन्वॉल्व द मटीरियल फ्रॉम विच जजेस ऑब्टेन रूल्स फॉर डिसाइडिंग केसेस। जहाँ से जजेस ऑब्टेन कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें डिसीजन में क्या बोलना है, क्या देना है डिसीजन, उस मटीरियल को भी सोर्स ऑफ लॉ कहा जाएगा। ये फुलर का कहना था। सालमंड ने क्या करा कि ही डिवाइडेड सोर्सेज ऑफ लॉ इनटू टू कैटेगरीज। इन्होंने कहा कि जो सोर्स ऑफ लॉ है वो दो टाइप्स में डिवाइड हो सकता है, पहला है मटीरियल सोर्स और दूसरा है फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ। मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ को उन्होंने फर्दर सब डिवाइड करा इनटू लीगल एंड हिस्टोरिकल सोर्स। और फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ का मतलब है कि द सोर्सेज फ्रॉम विच द लॉ डिराइव्स इट्स वैलिडिटी। तो ये फॉर्मल सोर्सेज में आ गया और ये मटेरियल सोर्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिवाइडेड लॉ इनटू मटेरियल एंड फॉर्मल सोर्स, तो उसमें आंसर होगा सालमन डिवाइडेड इट। कीटोन ने कहा कि लॉ को उन्होंने अपने तरह से डिवाइड करा, उन्होंने कहा कि लॉ दो प्रकार का हो सकता है, एक तो बाइंडिंग हो सकता है, दूसरा परसुएसिव होता है। परसुएसिव मतलब जो बाइंडिंग नहीं है। तो बाइंडिंग सोर्सेज ऑफ लॉ में अगर हम लोग देखें तो लॉज जो बन रहे हैं, लेजिस्लेशंस या फिर प्रेसिडेंट मतलब जुडिशियल डिसीजंस या कस्टम, ये सब बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ में आ जाएगा। और परसुएसिव सोर्स मतलब जो बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है, उसमें आ जाएगा इक्विटी, द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, देन ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स, तो ये सब परसुएसिव या नॉन बाइंडिंग सोर्स में आ जाएगा। अगर हम लोग स्कूल्स की बात करें तो नेचुरल लॉ स्कूल वाले मानते थे कि लॉ हैज़ अ डिवाइन ओरिजिन, तो उन लोग के लिए सोर्स ऑफ लॉ क्या है, डिवाइन। वो गॉड से मानते थे कि लॉ हैज़ दैट डिवाइन ओरिजिन। तो अलग अलग स्कूल्स ने, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने सोर्स ऑफ लॉ की डेफिनेशन डिफरेंटली दी। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि कस्टम का मतलब क्या होता है, तो इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कस्टम और मीनिंग क्या होता है कस्टम का। तो इंट्रोडक्शन अगर दिया जाए कस्टम का, तो कस्टम इज़ एन ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ, और हिस्टोरिकल स्कूल
सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल है जिसने कस्टम को प्रोपोगेट किया और दे एडवोकेटेड अबाउट कस्टम बीइंग अ सोर्स ऑफ लॉ। और सैलमन की एक बहुत फेमस कोट है, उन्होंने जिसमें कहा है, कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट लॉ इज टू स्टेट। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स। नाउ अगर मीनिंग ऑफ कस्टम हम लोग समझेंगे, कस्टम का मतलब क्या होता है, तो कस्टम इज अ कंटिन्यूइंग कोर्स ऑफ कंडक्ट, ऐसा बिहेवियर, ऐसी हैबिट, ऐसे एक्ट्स विच हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे एक्ट्स जो बहुत समय से कंटिन्यू होते जा रहे हैं, विच बाय एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी और सोसाइटी में मेंबर्स हैं, दे हैव एक्सप्रेसली अप्रूव्ड दैट एक्ट। जो ऐसा एक्ट और कोर्स ऑफ कंडक्ट कंटिन्यू होता जा रहा है, उसको एक्सप्रेस अप्रूवल मिल चुका है मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी का या सोसाइटी का। एंड नाउ इसी एक्सप्रेस अप्रूवल की वजह से इट फिक्सेस द नॉर्म ऑफ द कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट इज इट इज़ अ कंटिन्यूइंग सोर्स ऑफ कंडक्ट, ऐसा कंडक्ट जो बहुत दिनों से कंटिन्यू होता जा रहा है। सेकेंडली इट हैज़ बीन एक्सप्रेसली अप्रूव बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने उसको एक्सप्रेसली अप्रूव कर दिया कि हाँ ये ठीक है, ये एक्ट सही है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। और नाउ इट फिक्सेस द नॉर्म ऑफ द कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी, जब उन्होंने अप्रूवल दे दिया है तो अब उस मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जितने भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उनका कंडक्ट को वो रेगुलेट करता है, गवर्न करता है। तो यही कस्टम का मतलब है, ऐसी प्रैक्टिस जो बहुत लॉन्ग समय से चलती आ रही है, फॉलो की जा रही है, और इतने लॉन्ग कंसिस्टेंटली रीजनेबल प्रैक्टिस जो इतने दिन से होती जा रही है, इट समवेयर इज रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड इट गेट्स द अथॉरिटी ऑफ अ लॉ। तो आइए देखते हैं सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द टर्म कस्टम गिवन बाय वेरियस जूरिस्ट। अकॉर्डिंग टू एलन, custom as the uniformity of habits or conduct of the people under like circumstances. Salmon ne kaha hai ki custom are those principles that are acknowledged and approved not by the power of the state but by public opinion of the society at large. Next definition aati hai Austin ki, unhone kaha hai ki custom is a rule of conduct which the governed observe spontaneously and not in pursuance of any law set by the political superior. हॉलैंड ने कहा है कि कस्टम इज जनरली ऑब्जर्व्ड कोर्स ऑफ कंडक्ट। इंडिया में प्रिवी काउंसिल ने ऑब्जर्व करा है द डेफिनेशन ऑफ कस्टम इन द केस ऑफ हरप्रसाद वर्सेस शिवदयाल। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने ऑब्जर्व किया कि कस्टम एज अ रूल विच इन अ पर्टिकुलर फैमिली और अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और इन अ पर्टिकुलर सेक्ट, क्लास और ट्राइब हैज़ फ्रॉम द लॉन्ग यूसेज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। And lastly, the importance of custom was highlighted in the case of collector of Madura versus Muturamalingam Satupathi. Court ne kaha hai ki clear proof of usage will outweigh the written text of law. तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ कस्टम, कि कितने टाइप के कस्टम होते हैं। तो ब्रॉडली कस्टम को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है नॉन ऑब्लिगेटरी या फिर नॉन बाइंडिंग, और दूसरा है ऑब्लिगेटरी या फिर बाइंडिंग कस्टम। नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम वो होते हैं जिनको कोर्ट डजंट रिकॉग्नाइज देम, कोर्ट इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती। अगर इन कस्टम्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती, कोर्ट वोंट टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ इट। तो मतलब अगर ऐसे कस्टम्स जिनको अगर हम लोग फॉलो नहीं भी करते हैं तो कोर्ट उसका जुडिशियल नोटिस नहीं लेगी, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, आप उसको जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। इसी का मतलब होता है नॉन ऑब्लिगेटरी या नॉन बाइंडिंग कस्टम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हिंदूज में होता है कि अगर कोई डिसीज या मर जाता है तो हिंदू के जो मेल मेंबर होते हैं वो अपना हेड शेव करते हैं, ये एक नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम है। अगर कोई मेंबर ऑफ द फैमिली मना कर देता है कि नहीं हम हेड शेव नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉन ऑब्लिगेटरी है, नॉन बाइंडिंग है, आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। सेकंड देख लेते हैं अडॉप्शन, जब होता है हिंदूज में तो एक सेरेमनी ऑब्जर्व करी जाती है, रिलीजियस सेरेमनी जिसको कहते हैं दत्ता होमम। ये दत्ता होमम की सेरेमनी भी एक नॉन ऑब्लिगेटरी कस्टम है, अगर आप लोग ना करवाना चाहें जो ना करें तो ना करें, कोई इसमें लीगल बैकिंग नहीं है। दूसरा जो कस्टम है काइंड वो है ऑब्लिगेटरी कस्टम। ऑब्लिगेटरी कस्टम इसके ऑपोजिट है, ये बाइंडिंग कस्टम होता है, इट इज बाइंडिंग एंड इट इज इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, और इसको लीगल बैकिंग या सैंक्शन ऑफ द स्टेट प्रदान है। मींस अगर ऑब्लिगेटरी कस्टम या बाइंडिंग कस्टम को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो उनको कोर्ट में जाके इन्फोर्स करवाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में सप्तपदी मेंशन है। सप्तपदी एक कस्टम था जो कि लॉ में मेंशन कर दिया गया है सेक्शन 7 में, तो अब ये बाइंडिंग हो गया है, इसको इन्फोर्स कोर्ट में जाके हम लोग करवा सकते हैं बिकॉज इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ।
अब ये जो ऑब्लिगेटरी या बाइंडिंग कस्टम है, इट इज फर्दर सब कैटेगराइज्ड इनटू लीगल एंड कन्वेंशनल कस्टम। लीगल कस्टम ऐसे कस्टम होते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एग्रीमेंट एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट इज ऑपरेटिव पर से। लीगल कस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया लोकल और जनरल। जनरल कस्टम ऐसे कस्टम होते हैं विच आर ऑपरेटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, और लोकल कस्टम होते हैं ऐसे कस्टम जो एक पार्ट ऑफ द लोकेलिटी या पार्ट ऑफ द टेरिटरी में, एक छोटे से पार्ट में ऑपरेट करते हैं, तो वो लोकल हो गया। जनरल मतलब पूरे टेरिटरी में ऑपरेट कर रहा है, तो ये लीगल कस्टम हो गए। अनलाइक लीगल, कन्वेंशनल कस्टम ऐसे कस्टम होते हैं when the custom is incorporated into an agreement and it is applicable only to the parties of an agreement. Parties agreement करके contract करके उन customs को enforce करवा रही है। Conventional customs को usages भी कहते हैं and they are applicable in particular trade. तो conventional custom को हम लोग enforce करवाते हैं agreement करके। Parties agreement करती हैं और वो कहती हैं कि हम conventional custom से या usages से govern हो रहे हैं और उन्हीं parties के बीच में ये custom प्रिवेल करता है। बट लीगल कस्टम में ऐसा नहीं है। लीगल कस्टम में कोई एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज नहीं होता है, ये ऑपरेटिव होता है, बाइंडिंग होता है एज इट इज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड इट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू। तो ये दिस इज ऑल अबाउट कस्टम। हम लोग ने नॉन ऑब्लिगेटरी और ऑब्लिगेटरी दोनों एग्जाम्पल्स के साथ समझा और इसके हम लोगों ने सब कैटेगरीज भी समझी। लास्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम लोग देखें तो कस्टम में यही है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम। क्या क्या एसेंशियल हैं जो एक कस्टम को फुलफिल करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बिकम अ वैलिड कस्टम। तो फर्स्ट है कि रीजनेबल होना चाहिए, दूसरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मींस इट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूटरी लॉ, कंटिन्यूटी होना चाहिए, लॉन्ग ऑब्जर्वेंस होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए उसमें, मोरालिटी, पब्लिक पॉलिसी और बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए। ये सब हैं वैलिड कस्टम्स के एसेंशियल। अब इनको एक एक जल्दी जल्दी डिस्कस हम लोग कर लेते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उससे भी समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एसेंशियल है रीजनेबलनेस। कस्टम को इन ऑर्डर टू बी वैलिड रीजनेबल होना चाहिए। कस्टम विल बी इनवैलिड इफ़ इट इज़ रिपग्नेंट टू रीजन एंड इट इज़ लाइकली टू डू मोर मिसचिफ दैन गुड इफ़ इट इज़ एनफोर्स्ड। डॉक्टर एलन ने भी ऑब्जर्व करा है कि कस्टम विल बी एडमिटेड अनलेस इट इज़ अनरीजनेबल। तो अगर कस्टम अनरीजनेबल है तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। सर एडवर्ड कोक ने फर्दर कहा है कि कस्टम कॉन्ट्ररी टू रीजन कब माना जाएगा, व्हेन इट इज़ अपोज्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। सेकेंड एसेंशियल देखते हैं हम लोग, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। कस्टम मस्ट हैव बीन फॉलोड बाय द ऑल पर्सन्स विदाउट रिपोर्ट ऑफ फोर्स एंड विदाउट नेसेसरी ऑफ परमिशन। तो उसका कंपलसरी ऑब्जर्वेंस होना चाहिए, लोगों को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व कस्टम, और किसी से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, इफ द प्रैक्टिस इज लेफ्ट टू इंडिविजुअल्स चॉइस देन इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कस्टमरी लॉ। अगर हम लोग इंडिविजुअल पे छोड़ देते हैं, उनको ऑप्शन दे देते हैं कि यू हैव एन ऑप्शन वेदर टू फॉलो द पर्टिकुलर कस्टम और नॉट टू फॉलो इट, देन वो कस्टम नहीं माना जाएगा और कस्टमरी लॉ में नहीं आएगा। थर्ड एसेंशियल जो हम लोग देखने जा रहे हैं इस कंटिन्यूटी ऑफ कस्टम। कस्टम इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट हैव बीन कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। अगर कोई बता सकता है कि कस्टम की बिगनिंग कब हुई थी या कब से वो स्टार्ट हुआ था तो वो गुड कस्टम नहीं माना जाएगा। सेकेंड, इंग्लैंड में जो डेट स्टेट की गई है या फिक्स की गई है वो है 1189 AD और बिफोर द ईयर ऑफ असैसिनेशन ऑफ किंग रिचर्ड वन। उतना पुराना कस्टम होना चाहिए या इट इज़ अ नेसेसरी लिमिट ऑफ लीगल मेमोरी। ये ले डाउन किया गया था इन द केस ऑफ सिम्पसन वर्सेस वेल्स 1872 का ये केस था। तो इंग्लैंड में एक डेट सेट कर दी गई है, उसके पहले के जो कस्टम है वो वैलिड या रीजनेबल माने जाएंगे। इंडिया में ऐसा कोई रूल ले डाउन नहीं किया गया है, कोई ऐसी डेट सेट नहीं करी गई है। देर इज़ नो डेफिनेट ईयर लेड डाउन, मोर ओवर इट इज़ नीड नॉट बी बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी। तो इंडिया में इंग्लैंड से अलग चीज़ें हैं और इसको इमेमोरियल भी नहीं कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि इट शुड बी बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी। नेक्स्ट जो एसेंशियल है ऑफ अ वैलिड कस्टम इज कंसिस्टेंसी। कस्टम In order to be valid, must be in conformity with the statutory law. तो जो law लिखा हुआ है statute में, custom उसकी conformity में होना चाहिए। Now if the custom cannot be in conflict with the statutory law, judicial decisions, custom cannot go or cannot violate the law laid down by the judicial decisions or कोई भी statutory law. अगर दोनों में conflict होता है custom और statutory law में, तो statutory law ही prevail करेगा।
नेक्स्ट एसेंशियल जो देखने जा रहे हैं हम लोग वो सर्टेनिटी. कस्टम इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट बी सर्टेन एंड इट शुड बी ऑब्जर्व्ड कंटिन्यूसली एंड अनइंटरप्टेड. उसका ऑब्जर्वेंस होना चाहिए. इट वॉज लेड डाउन इन द केस ऑफ गुरु स्वामी राजा वर्सेस पेरुमल. इन दिस केस प्लेंटिफ क्लेम्ड द कस्टमरी राइट ऑफ ईजमेंट फॉर द शैडो फॉलिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री हैंगिंग फ्रॉम नेबर्स फील्ड. इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ था, उनके नेबर के फील्ड से प्लेंटिफ के घर में शैडो फॉल होती थी पेड़ की. प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि जो नेबर हैं वो पेड़ नहीं काट सकते हैं क्योंकि वो जो शैडो फॉल हो रही है उनके घर में या फिर उनके लैंड में वो उनका ईजमेंट्री राइट है, वो उनका कस्टमरी राइट है. इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया दैट देर कैन नॉट बी अ कस्टम रिलेटिंग टू शैडोज ऑफ ट्री बिकॉज इट इज़ सो अनसर्टेन एम्बिगुअस एंड ट्रांजिटरी एंड इट कैन नॉट गिव राइज टू एनी कस्टमरी राइट. तो कोर्ट ने इसको अनरीजनेबल और अनसर्टेन मान के मना कर दिया कि ये कस्टमरी राइट की श्रेणी में नहीं आएगा. तो आइए डिस्कस करते हैं सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर्स इन रिलेशन टू कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ. ये क्वेश्चंस वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. पहला क्वेश्चन है हु डिवाइडेड सोर्स ऑफ लॉ इनटू फॉर्मल सोर्स एंड मटेरियल सोर्स. तो इसका आंसर होगा सैलमन. नेक्स्ट दोज सोर्सेज फ्रॉम विच द लॉ डिराइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी आर कॉल्ड फॉर्मल सोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल सोर्सेज अकॉर्डिंग टू सैलमन मीन्स दोज सोर्सेज फ्रॉम विच द लॉ डिराइव्स इट्स फोर्स एंड वैलिडिटी. फोर्थ द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम्स इंक्लूड antiquity, consistency, certainty, ये all of the above. इसका आंसर होगा all of the above. ये सारे essentials हैं valid custom के. Next question देखते हैं अब हम लोग. Fifth question है custom as a source of law and itself is not a law. ये belief किस school के द्वारा held किया जाता था. तो इसका आंसर होगा analytical school. Analytical school वाले मानते हैं कि custom is a source of law but वो itself law नहीं है. सिक्स्थ क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंस ऑफ कस्टम ओवर अदर सोर्सेज ऑफ लॉ वॉज स्ट्रेस्ड बाय द ज्यूरिस्ट ऑफ विच स्कूल. इसका आंसर है हिस्टोरिकल स्कूल. हिस्टोरिकल स्कूल कस्टम को एडवोकेट करते थे. सेवेंथ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सैलमन कस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ विच सोर्स ऑफ लॉ. तो सैलमन ने सोर्सेज ऑफ लॉ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, फॉर्मल एंड मटीरियल. और मटीरियल सोर्स ऑफ लॉ में वो कस्टम को इंक्लूड करते हैं. तो इसका आंसर होगा मटीरियल सोर्स ऑफ लॉ. एट्थ क्वेश्चन देखते हैं In England, which of the following year is termed as the year at which the custom must be proved to be in existence in order to be considered to have the force of law? तो इसका आंसर होगा 1189 AD. Next हम लोग देखते हैं ninth question. A custom is superior to statute and it can supersede a statute. Which school holds the above view? इसका आंसर होगा historical school because they advocated custom being the source of law. Next question है custom is to society what law is to state. ये किसने कहा है? तो as I discussed in the video it was said by Salmond. 11th question है and last question. The growth of custom into law is analogous to the growth of law itself in an infant society. It was said by whom? तो इसका answer है Savigny. तो these were some important questions जो custom से relation में पूछे जा चुके हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आज हम लोग ने कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ का जो पूरा टॉपिक है वो कवर कर लिया है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ थ्योरी एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. और हम लोग ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आज तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी डिस्कस कर लिया है. तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक रिलेटेड टू लॉ. थैंक यू सो मच.